अस्सलाम वालेकुम। तमाम भाई खैरियत से होंगे उम्मीद करता हूँ। जी सर, खलवंडा जो है हम तैयार करते हैं और मेरे तमाम भाई मुझ पे ट्रस्ट करके मुझसे माल प्रोडक्ट मेरी तमाम को लाइक भी करते हैं और मंगवाते भी हैं। ये देखिए सर, हमें ए ग्रेड जो है ना, ए क्वालिटी, ए वन क्वालिटी खलवंडा, उसका स्टॉक रेडी कर रहे थे। माशाल्लाह ऑर्डर है हमारा 16 टन का। ये देखें, आपको पेवे नज़र आ रहे हैं जिसको बड़ेवा बोलते हैं पंजाबी में, और बनौला, ये सब नज़र आ रहे हैं आपको। A1 क्वालिटी के हमने ये परचेज़ किए हैं। देखें जी, आपको मैंने कई दफ़ा उसमें भी दिखाया है, क्या कहते हैं, फैक्ट्रीज विज़िट भी करवाई है आपको। ये सर आपको छोटे छोटे टुकड़े नज़र आ रहे हैं, ये राइस पॉलिश के हैं। और ये येलो कलर की सर है कॉर्न, कॉर्न का दलिया। और ये देखें सर, ये है जी खल सरसों, और ये आपको बाजरा नज़र आ रहा है जी, बाजरा इसमें डाला हुआ है। और जी ये देखें, ये आपको गंदम नज़र आ रही है जी, गंदम की क्वांटिटी होती है, और गंदम की क्वालिटी भी देखें आप। ये जी गंदम, ठीक है। बाकी इसमें मिनरल मिक्सचर वगैरह हो गया, शीरा राव वगैरह हो गया, वो सर हम जब मशीन में इंटर करते हैं तो इसमें वो मिक्स कर देते हैं, ठीक है। नमक वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें आपको। गंदम भी साफ़ वाजह नज़र आ रही है, बायर नज़र आ रहा है, बड़े में नज़र आ रहे हैं, बनोला जिसे बोलते हैं, और कॉर्न का दलिया आ गया, राइस पॉलिश आ गई। और दूसरे नंबर पे सर ये देखें, इसका सौंफ का भूसा, ताकि जानवर शौक से उसे लाइक करे और खाए। और इसकी सर जो शेप बनी है ए ग्रेड, ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह, आपका एतमाद हमारी कामयाबी। और कोशिश करते हैं कि बेज़ुबान जानवरों ने खाना है तो वो खाएं और हमें भी दुआओं में याद करें। ये लो जी, ये सर तैयारी हुई हुई है इसकी, सेम सारी चीज़ें। जो खल बनोला यूज़ करते हैं, मेरी तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट है, इसको ज़रूर ट्राई करके देखें। देखिए खल बनोला में पता नहीं क्या क्या वो मिक्स कर रहे हैं, मेरे जितने भी कस्टमर हैं खल बनोला उन्होंने लेने छोड़ दिए। जब आपको इतनी अच्छी और म्यारी चीज़ मिल रही है तो आप इसको लाइक करें। ये जी, जो जो इंग्रेडिएंट्स आपको दिखा सकते हैं, दिखा रहे हैं, वही अल्हम्दुलिल्लाह शामिल है। कोई भाई हमारे फैक्ट्री विज़िट करना चाहे, मोस्ट वेलकम, आएँ, आपकी खिदमत भी करेंगे और आपको फैक्ट्री विज़िट भी करवाएंगे। इंशाल्लाह ताला दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।